कल से नहाए भी नहीं हूँ, हम लोगों ने कपड़े भी नहीं चेंज किए हैं, तो ये भी कुछ करना पड़ेगा। मुस्ता क्या हुआ बता? वो बंदे ने पानी पी लिया अपना। अच्छा हुआ कि टाइम पे फोटो भी खींच लिया। देखिए सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू डूइंग वेल एंड आई होप आप लोगों ने अगला ब्लॉग देखा होगा, तभी इधर आए हो दूसरे ब्लॉग पे। सो आप लोगों ने मैंने ऑलरेडी बता ही दिया कि हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स पुणे एक्सप्रेस हाईवे की तरफ। सो फिलहाल तो हम लोग जा रहे हैं लोनावाला एंड हमने सडनली ऐसे ही प्लान चेंज कर लिया। हम लोग आने वाले थे मुंबई, बट दोस्त लोग बोल रहे हैं कि लोनावाला ही चलते हैं, बिकॉज काफ़ी टाइम से गए भी नहीं है। 2017 में गए थे शायद, गोवा गए थे उस टाइम पे, रिटर्न में आए थे हम लोग। एंड फिलहाल तो हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स लोनावाला एंड अभी तो हम लोगों ने कुछ कपड़े वपड़े भी चेंज नहीं करे हैं। सो देखते हैं आगे जाके कोई अच्छी सी होटल मिल जाए तो सिर्फ कपड़े चेंज करने के लिए और फ्रेश होने के लिए ले लेंगे एक घंटे के लिए, बाद में कपड़े वपड़े चेंज करते हैं देन निकलते हैं लोनावाला की तरफ। फिलहाल तो हम लोग हैं कुछ 15 किलोमीटर दूर पुणे एक्सप्रेस हाईवे से। सो अभी आप लोगों को अपनी जर्नी कंटिन्यू करवाता हूँ आगे। सो गाइज अभी तो हम लोगों ने थोड़ा सा रास्ता कवर कर लिया है, एक्चुअली पहुंचने ही वाले हैं लोनावाला एंड रास्ते में ऐसा कुछ फूड कोर्ट दिख गया तो इधर ही रोक लिया हमने, बिकॉज थोड़ी सी भूख भी लगी थी तो हमने थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का खा लेते ना, वरना आगे जाके तो क्या मिलेगा कुछ पता नहीं, मैगी ही खा के रहना पड़ेगा। एंड काफ़ी ज़्यादा गर्मी है एंड कल से नहाए भी नहीं हूँ, हम लोगों ने कपड़े भी नहीं चेंज किए हैं, तो ये भी कुछ करना पड़ेगा जुगाड़ इसका, बिकॉज टाइम पे आए थे तो होटल लेने का भी कोई मतलब नहीं बनता। तो अभी तो इधर रुक गए थे, रास्ते में पेट्रोल पंप था इधर, ऐसा एक फूड कोर्ट था। सो फिलहाल तो कार निकल रहे, अपनी कार इधर ही पार्क की थी एंड फिलहाल निकलते हैं अभी लोनावाला की तरफ एंड देखते हैं कुछ कपड़े चेंज करने का भी जुगाड़ हो जाए तो अच्छा है, वरना करना तो पड़ेगा वैसे कार में भी, और कल जाके घर पर नहा लेंगे और क्या। तो चलिए चलते हैं अभी आगे लोनावाला की तरफ एंड देखते हैं, और आप लोगों को भी एक्सप्लोर करवाता हूँ लोनावाला एंड वहाँ का नज़ारा कैसे रहता है वो भी आप लोगों को एक्सप्लोर करवाता हूँ। चलिए चलते हैं अभी तो लोनावाला की तरफ। मुस्ताक हाँ भाई, पहुँच गए हम लोग लोनावाला। लोनावाला आ गए? हाँ, कैसा लगा रोड्स तेरे को इधर का? रोड तो बहुत अच्छे और रास्ते में जो व्यूज देखे ना, मेरा दिल खुश हो गया। पहली बार आया ना तू लोनावाला? फर्स्ट टाइम। मैं उबेद के साथ आया था 2017 में, हम लोग गोवा गए थे ना, याद है उसी टाइम पे, बट एक दिन के लिए रुके थे तो ज्यादा कुछ एक्सप्लोर किया नहीं था, क्योंकि इधर तो एक ही प्लेस है टाइगर पॉइंट। वहाँ पे जाके मैगी खाने का, हुक्का सब कुछ मिलता है उधर, हुक्का और सब कुछ तेरे को ऊपर ही मिलेगा। चलो फिर उधर ही चलते हैं। चलते हैं ना, पहले फ्रेश वेश तो होना पड़ेगा ना। फ्रेश तो होना पड़ेगा, पहले नहाना पड़ेगा। तो फिर मैंने तो रास्ते में वो एक दूध गिर रहा था देखा पानी वाला, मैंने सोचा वहीं पे नहा लेते हैं। चलता है वो भी, चलेगा ना, हमको सब कुछ जुगाड़ चाहिए सिर्फ एंजॉय करने का है। अभी तो आगे देख अच्छे अच्छे व्यू आएंगे। हां सनरूफ से निकल जाना बाहर, निकलना ही पड़ेगा, वैसे भी मेरा वो साफ सफाई तेरे लिए तो इतना खर्चा किया है, इतना बड़ा सनरूफ वाली गाड़ी लेके तो निकलना तो पड़ेगा ना। ऐसी जगह पे तो संदर्भ का पैसे वसूल होते हैं ना। तो फिर सो गाइस अभी तो हम लोग पहुंच चुके हैं लोनावाला एंड तकरीबन 1 किलोमीटर बाकी है एंड काफ़ी अच्छे व्यूज आए हैं रास्ते में, बट शूटिंग नहीं कर पाया मैं, बट आगे उससे भी अच्छे अच्छे व्यू आएंगे। सो मैं आप लोगों को तभी बताता हूँ कि आप लोग भी एंजॉय करेगा तभी कैसे व्यू है। एंड आप एक दो दिन के लिए प्लान करते हो तो डेफिनेटली आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ ये प्लेस, आना चाहिए एक बार। तो सो गाइस अभी बजे है 2 एंड अभी हम लोगों ने चेक इन कर लिया होटल में। सो कोई भी होटल्स अवेलेबल नहीं थी, बिकॉज अभी आप लोगों को मालूम ही है कि फेस्टिव सीजन चल रहा है,
सो जो भी मिला इसमें हम लोगों ने खुश होकर ले लिया। अभी तो फिलहाल तो हम लोग जाएंगे अब बाहर कुछ खाने के लिए, बिकॉज सुबह से कुछ नहीं खाया है। जो भी ब्रेकफास्ट किया था हल्का फुल्का खाया था वही खाएंगे। उबैद भाई नहाने गया है, मुश्ताक अभी अपना व्लॉग देख रहा है। मुश्ताक अपना अपलोड हो गया वाला व्लॉग देख रहा है अभी। सो गाइस आप लोगों ने भी नहीं देखा अगला पार्ट तो जाके देख लो, तो तभी आप लोगों को मजा आएगा व्लॉग देखने में। तो फिलहाल तो हम लोग उबैद भाई को रेडी होता है, बाद में हम लोग निकलते हैं बाहर। कपड़े वपड़े चेंज कर लिया, फ्रेश भी हो लिया है नहा के, तो चलते हैं बाहर अभी। सो गाइज फिलहाल तो रेडी वेडी होके बाहर तो निकल चुके हैं। अच्छा हुआ कि इधर से पार्किंग भी मिल गई थी, तो फिलहाल तो चलते हैं कुछ टाइगर पॉइंट पे एंड देखते हैं। आज का वेदर भी काफ़ी अच्छा हो रहा है एक्चुअली, सो देखेंगे अभी आगे जाके, बिकॉज मेरे को तो लगता है कि बारिश होने वाली है। तेरे को क्या लगता है मुश्ताक, बारिश होएगी? क्योंकि मुंबई में तो कल हुई थी ना रात को, आज नहीं हुए तो अच्छा, वरना अपने कब ये सब वाइट शूज़ वगैरह सब पहनने का बेकार जाएगा मुश्ताक। नहीं शायद तो नहीं होगी, लेकिन लग रहा है थोड़ा बहुत मौसम बन रहा है। चलते हैं पहले टाइगर पॉइंट या किधर तो चलते हैं ना, बाद में देखते हैं। कुछ खाना पड़ेगा यार, बहुत खाली खाली लग रहा है। सो गाइस फिलहाल तो हम लोग इधर एक घंटे से भी ज़्यादा हो गया इधर आए हुए एंड हमारा नंबर आया और फाटक भी बंद हो गई। मुश्ताक तेरे को क्या लगता है, पोनो तो कैसी लगी अपनी आज? यार पूरा एक घंटा निकाल दिया यार, कैसी फाटक है ये। दो गाड़ी निकाल लिया पहले, फिर भी अभी तक अभी फिर से तुरंत फाटक बंद हो गई। अभी कहाँ जाए अपने, अभी क्या करे, पीछे जा सकते नहीं आगे जा सकते, वही तो है। सो गाइस हम लोग अभी तो टाइगर पॉइंट पे जाने वाले है, देन सनसेट पॉइंट पे भी जाने वाले है। तो क्या सनसेट पॉइंट पे जाते हो, इधर ही सनसेट अपना तो हो जाएगा ना मुश्ताक? सनसेट भी हो जाएगा और सुबह भी हो जाएगी। तो होटल लेने का क्या मतलब, कार में फिर आज सो जाते, वही चीज है ना। कोई बात नहीं गाइस, आप लोगों को मैं आज टाइगर पॉइंट तो दिखा के रहूंगा एंड सनसेट पॉइंट भी दिखाऊंगा एंड जितना हो सके कवर इतना आज तो करूंगा, बिकॉज आज लास्ट डे है अपना लोनावाला में, बिकॉज एक दिन के लिए ही आए हैं हम लोग। सो देखते हैं आगे अभी तो, और पेट में चूहे दौड़ रहे हैं अभी तक। सुबह से कुछ नहीं खाया है, ब्रेकफास्ट किया है वही एंड अभी बजे है कुछ 3:30। मुश्ताक कुछ तो करना पड़ेगा, ऊपर जाके मैगी खाना पड़ेगा अभी, क्योंकि रेस्टोरेंट तो आएगी ही नहीं है अभी। इधर तो अभी कोई रेस्टोरेंट नहीं है, फिर भी कोई रास्ते में दिखेगी तो अपने। नहीं नहीं ऊपर जाके मैगी खा लेंगे, हल्का फुल्का कुछ खाएंगे, वरना ज्यादा खाएंगे ना अभी तो रात को कुछ खा ही नहीं पाएंगे। चलेगा फिर वो भी है ना, तू आराम से सो जा अभी, तेरी नींद खत्म कर दे। मैं पहले ही सो रहा था, मेरे को लगा चल फाटक खुल गई तो अभी निकल जाएगी, लेकिन क्या यार आधा घंटा तो नहीं खुलेगी भाई, ऐसे नहीं खुलेगी। कोई बात नहीं देखते। और ये फाटक वाला साला बीच में आके खड़ा रह गया, पोपट हो गया ना अपना, बड़ा वाला कट गया। मुश्ताक हाँ भाई, नहीं होने वाला काम हो गया ना? हो गया, बारिश गिर गई। चालू एकदम जोरदार से तो लगा ही था, दिखेगा धूप। ये देखिए देख उधर धूप है, दारू बारू और सब लोग एंजॉय। हाँ भाऊ अभी टाइगर पॉइंट पर तेरे को मजा आएगा, लेकिन तेरे को भीगना पड़ेगा। भीगने का यार मन तो नहीं है, क्योंकि कपड़े लाए नहीं अपने, वही तो प्रॉब्लम है। अच्छा हुआ स्लीपर लेके आ गया ना साथ में, वरना तक सट जाता बड़ा वाला। पहले से स्लीपर पहन के आया था। मुश्ताक तेरा भाई? मेरा कोई भाई नहीं है, आ रहा है हुँ? आ रहा है मुश्ताक पकड़ना। टाइगर कौन सा पॉइंट, मैं तो भूल गया। टाइगर पॉइंट, टाइगर पॉइंट पे एंड इधर से व्यू तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन बैरिकेड्स लगाए हैं जो काफ़ी क्लियरली देख नहीं पा रहे, बट कैमरे में इतना जूम नहीं होता ना। हाँ इसी वजह से लुक एट दिस बलून्स। सो फिलहाल तो हमें कुछ खाना पड़ेगा यार, एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। पहले तो मुझे यहाँ पे मैगी दिखी, फिर वो भुट्टा दिखा, भुट्टा बोलते ना मकई वो दिखा, और शायद तो नींबू सोडा है। नींबू सोडा कौन पीता है यार, दूसरा कुछ दिखा नहीं यहाँ पे, लेकिन देखने के लिए कुछ अपना सिमिलर टू सापुतारा ही लगता है मेरे को तो। नहीं बहुत अलग है, अच्छा है, लेकिन उससे अच्छा प्लेस है, कंपेयर नहीं कर रहा हूँ बट अच्छा है। क्राउड काफ़ी है,
बहुत ही ज़्यादा। रास्ता है एक तो एक फाटक ने मेरे को तो थका दिया यार, मैं तो काफ़ी बोर हो चुका था। लो बंदर को मुस्ताक। हाँ बंदर को बुला। बंदर बंदर दिख नहीं रहा इधर, इधर से काफी अच्छा व्यू लगता है ना। हाँ मैंने पी ली है, ऐसा लगता है मैं ऐसे ऐसे हो रहा हूँ। बारिश अच्छा हुआ बंद हो गई, नहीं तो अपने इसकी लग जाती शूज की। हाँ वो भी शूज पहन नए लिए ना, तूने भी स्लीपर पहन गया तो मेरे तू बच गया, बच जाता। जो खतरों के खिलाड़ी दिखा ना, कूद के गया है रेलिंग दिखा। सो गाइस, आप लोग भी इधर आने का प्लानिंग करते हो तो आप लोग जब भी लोनावाला में आए तो 3 या 4 बजे से अपनी होटल से आने का प्लानिंग करना, बिकॉज दिन में आने के लिए कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। बट अभी इस टाइम मालूम नहीं कैसा नसीब है अपना, इतना अच्छा वेदर हो रहा है कि एकदम कोल्ड वेदर है एंड टेम्परेचर भी अपना ऐसा एवरेज में है, थोड़ी सी ठंड भी लग रही है एंड काफ़ी चिल वाइब है इधर। एंड अभी कुछ गर्मा गर्म खाने को मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। सो गाइस, आप लोग भी आते हैं तो ऐसे टाइम पे मत आना, इवनिंग के टाइम पे ही आना, सनसेट भी देखने को मिलेगा एंड सनसेट पॉइंट भी है ऑलरेडी इधर भी, बट आप लोग इधर से भी सनसेट एंजॉय कर सकते हैं। एंड फिलहाल तो कुछ खाते हैं इधर से एंड अंधेरा इधर ही हो जाएगा लगता है, बिकॉज अभी तो अच्छा है आज का। वेदर काफ़ी अच्छा है। ऊँट पे बैठेगा कैमल, कैमल राइड करेगा, बैठ जाना, इंटरेस्ट नहीं है देखना ये लोगों की तरह। किस पे बैठना है? घोड़े पे। घोड़े पे? इधर तो घोड़ा नहीं दिखता है, किधर है? दिख रहा है, दिख रहा है। यार ये बारिश आ गई। ये चलाएगा तू? नहीं मैंने चलाया हुआ इसको पहले। किधर? मैंने खुद बनाया था इसको, मतलब मैं ये नहीं था, मरोली में मैंने खुद बनाया था ऐसा। हाँ ये 4x4 होता है? नहीं सिंपल ही होता है, सिर्फ इंजन बाइक का होता है ना, इंजन बाइक का होता है, पूरा मॉडिफाई किया होता है। नहीं मोपेड का नहीं, गियर वाला है। गियर वाला है? हाँ। अच्छा सो गाइस, फिलहाल तो हम लोग इधर आए हैं मैगी खाने के लिए। सो आप लोग जब भी आते हो इधर लोनावाला टाइगर पॉइंट पे तो आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी सारी स्टॉल्स मिल जाएगी, ऐसी मैगी और सब कुछ मिलता है इधर, कॉर्न्स भी मिलते हैं और हर एक चीज़ अवेलेबल हो जाती है। सो आप लोग अच्छे मौसम में ये भी एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। फिलहाल तो हम लोगों ने 2 मैगी ऑर्डर की है, तो वो आती है उसको लिपटे आते हैं पहले, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा भूख लगी पड़ी है। सो गाइस, हम लोग किधर कब कितना टाइम हो गया हम लोग आए ने, एक डेढ़ घंटा हो गया एंड कभी से इधर ही चिल कर रहे हैं। एंड आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे डायरेक्ट लास्ट तक भी एक पॉइंट जाता है, तो काफ़ी लोग इधर भी है तो इधर भी चलते हैं हम लोग। बट मेरे को एक चीज़ डिसअपॉइंट लगी इधर की कि आप लोग जब भी आए इधर तो मैगी और से सब खाएंगे, आप लोगों को डेफिनेटली ओवर प्राइस तो लगेगा। कितना ओवर प्राइस था मुस्ताक? चीज़ मैगी का 100 रुपया, 100 रुपीज़। इतनी सी? वो तो कोई बात नहीं, टूरिस्ट प्लेस है इतना तो चलता है, बट ये भी इन्फॉर्मेशन अपने ऑडियंस को देने की अपनी जिम्मेदारी है ना। सो फिलहाल तो चलते हैं बाद में उधर पीछे, बिकॉज वहाँ से भी काफ़ी अच्छा व्यू आता है, तो उधर से भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सो गाइज, फिलहाल हम इधर ही थे एंड काफ़ी क्रेजी सीन हो गया हमारे साथ। तो मुस्ताक क्या हुआ बता? वो बंदर ने पानी पी लिया अपना। अच्छा हुआ कि टाइम पे फोटो भी खींच लिया, देखिए बॉटल रखी थी उधर सामने ही और स्टॉल पे रखी थी ना कुछ उधर। हाँ वहाँ पे स्टॉल पे रखी थी, फोटो खींचा रहे थे तो आके उठा के पीने लगे। साहू देखिए क्या कर दिया तेरे भाई ने, 300 रुपये की बोतल थी साहू। काफी बंदर भी अपने से होशियार है ना इधर। एक दो के लेके चलते हैं अपने यहाँ, ले जाना पड़ेगा एक सभी के घर पे, एक एक पे छोड़ के देना है, छोड़ देना है ना। देखना अचानक फॉग आया, वेदर काफी क्रेजी हो रहा है ना अभी, अचानक ही फॉग आ गया पूरा के पूरा।
सो गाइज अभी भी आप लोग आना चाहते हो तो आ सकते हो इस मंथ में, आप लोगों को ऐसा ही वेदर मिलेगा बिकॉज अभी तो मानसून भी खत्म हो चुकी है, फिर भी इतना अच्छा वेदर है आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि पूरा मानसून वाला वाइब्स देता है ना अभी भी। हाँ। काफी अच्छा है, दिवाली भी चली गई, दिवाली फिर भी, चली गई, फिर भी वेदर काफी अच्छा है। बारिश गिरेगी आज दबा के, देखना पीछे तो कुछ दिखना ही बंद हो गया अचानक ही, कुछ नहीं दिख रहा है। इसका क्या करे अभी, छीन के ला ना उसके पास, तू भी वो फेंक दिया उसने नीचे, साहू समझ के मांग के लाना था ना। अभी तो बजे है 6:15, मुश्ताक मेरे लिए क्या बोला, ऑनियन पकौड़े, ऑनियन के पकौड़े और मकाई, और मकाई बेल, बेल आ गई, आज भी अच्छी नहीं लगी तो तेरे को ही पकड़ूंगा मैं तो। अच्छी है। सो गाइस ऐसे मौसम में ऐसा कुछ खाना मिल जाए बहुत ही मज़ा आती है, और ये सिर्फ चाह चाह के पीछे पागल है, देख इस व्यू के साथ ये कितना सूट होता है, देख देखना भी कितनी मज़ा आ रही है, तुझे क्या बताया मुझे भाई। देखना इधर अपनी कार है, ऐसा कुछ खाना है, ऐसा व्यू है, अगर ऐसे मौसम में चाय मिल जाए तो क्या बात है, तेरी चाय से तो अच्छा दिख रहा है। बजे है कुछ 7:30 एंड हम लोग गए थे टाइगर वाइट पे, बट वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा वेदर ख़राब हो चुका था, हम लोग ने कुछ एक्सप्लोर नहीं किया, जितना हो सके इतना आप लोगों को एक्सप्लोर करवाया, बट फिलहाल तो हम लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए। सो पहले तो ढूंढना पड़ेगा एक रेस्टोरेंट अच्छा वाला, मिलेगा रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट दो तीन देखे रास्ते में, वेज या नॉन वेज है, वेज नॉन वेज दोनों देखे, दोनों है, दोनों देखे हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो नॉन वेज खाने का इच्छा है, मुझे भी नॉन वेज ही खाना है आज, मैं जो जो जहाँ पे अच्छा लगेगा वहाँ चले जाएंगे। कोई बात नहीं, अब तो निकलते हैं थोड़ी देर में गाइस डिनर करने के लिए, बिकॉज अभी आप लोगों को पूरा स्ट्रीट भी दिखाऊंगा कि लोनावाला में नाइट में स्ट्रीट कैसा दिखता है, एंड अभी तो दिवाली भी है तो डेकोरेशंस भी ज़्यादा हो गए, तो चलते हैं अभी, मैं भी रात को देखा नहीं, आते वक्त मैं भी सो गया था कार में, तो चलते हैं अभी। फिलहाल तो हम लोग आ चुके हैं लोनावाला की मेन स्ट्रीट पे, यहाँ पे हर एक शॉप्स आप लोगों को मिल जाएगी, एंड आप लोगों को पूरा वॉक अराउंड भी देता हूँ कि हर मगनलाल चिक्कीज एंड ऑल थिंग्स आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। तो अभी आप लोगों को पूरा टूर देता हूँ लोनावाला की मेन। सो गाइज हमारा डिनर विनर तो सब कुछ हो गया है, एंड आप लोगों को अभी इधर से ही छोटा सा टूर दे देता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को चिक्की और ये सब कुछ मिल जाएगा, आगे भी काफ़ी ज़्यादा लंबी स्ट्रीट है इधर, एंड दिस इज़ द मेन स्ट्रीट इन लोनावाला। एक्चुअली मेरा कैमरे की बैटरी डेड हो गई है तो मेरे को फ़ोन से ही अभी शूट करना पड़ेगा, तो दिस इज़ द मेन स्ट्रीट रोड, तो यहाँ पे आप लोगों को ऐसे चिक्की स्टॉल से सब कुछ मिल जाएगा। सो गाइज अभी बजे है कुछ अराउंड 10 एंड सब कुछ कंप्लीट करके हम लोग आ गए हैं होटल में, एंड अभी हम लोग रेस्ट करेंगे बिकॉज कल हम लोगों को निकलना भी पड़ेगा मॉर्निंग में। सो शायद हम लोग निकलेंगे 8 बजे, 8 बजे निकल जाएंगे ना शायद, बिकॉज मुंबई में जो काम है ना थोड़ा सा, हाँ, वो कंप्लीट करना है जो काम है, एंड देन हम लोग इधर से निकल जाएंगे घर की तरफ। सो कुछ मुंबई में काम है वो कंप्लीट करेंगे देन निकलेंगे। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, प्रेस द बेल आइकॉन एंड डू सब्सक्राइब गाइस, एंड कीप वॉचिंग कीप स्माइलिंग, मिलते हैं नए वीडियो में, टिल देन बाय। सब्सक्राइब करना तो बोल अपने, सब्सक्राइब करो सब, और बेल आइकॉन, तो मिलते हैं गाइस कल नई दूसरी वीडियो में, टिल देन बाय।